डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ये एनसीईआरटी मैथ्स क्लास सिक्स का है, एक्सरसाइज 4.5। तो ये छोटा सा एक्सरसाइज है, इसको हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद एक एक्सरसाइज बचा हुआ है 4.6 और इसके बाद चैप्टर 4 जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही ईजी क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल PQRS। एक रफ स्केच मतलब एक पिक्चर बनाने के लिए बोल रहा है, जिसे कि यहाँ पे बनाकर दिखाया गया है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल आप लोग जानते हैं जिसमें चार कोना होता है, 1, 2, 3, 4। वो किसी भी तरह का अलग अलग चार कोना में भी अलग अलग शेप बनता है, तो उसमें कोई भी शेप बना लीजिए, उसमें यहाँ पे कुछ भी कहा नहीं जा रहा है। क्वाड्रिलेटरल मतलब चार कोना सिर्फ होना चाहिए, उसका नाम दे देना है PQRS। बस इसी तरह बना लेना है, उसका नाम दे देना है PQRS। ड्रॉ इट्स डायगोनल्स। डायगोनल्स इसका मतलब होता है कि अंदर जो ये एंगल होता है, तो एंगल अपोजिट एंगल को एक साथ लाइन खींच के मिला देना है, इसको और इसको, तो उसको डायगोनल्स बोलते हैं। डायगोनल्स को हिंदी में कर्ण बोला जाता है। नेम देम, उसका भी नाम दे देना है। तो जब यहाँ पे चारों कोना का अगर नाम रहेगा तो उसका भी नाम इस तरह से पड़ जाएगा। इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या डायगोनल्स का जो मीटिंग पॉइंट है, डायगोनल्स इस तरह से ये जो पिक्चर बना इसमें ये डायगोनल्स खींच दिए और ये डायगोनल्स खींच दिए। अब इसमें दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट जो है वो ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर होगा या क्वाड्रिलेटरल के बाहर होगा। तो डायगोनल्स जो अंदर में ही खींचा जाता है, डायगोनल्स जब अंदर में रहेगा और दोनों एक दूसरे को काट जिस पॉइंट पे काटेगा तो वो पॉइंट बाहर कहाँ से चला जाएगा? वो बाहर नहीं जाएगा, वो अंदर ही रहेगा। तो इसका आंसर सिर्फ इतना हो जाएगा कि जो मीटिंग पॉइंट है क्वाड्रिलेटरल के अंदर का जो मीटिंग पॉइंट है वो इंटीरियर होगा, मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर होगा, एक्सटीरियर नहीं होगा। सिर्फ इतना इसका आंसर देना है। तो सबसे पहले चलिए पेपर ले लेते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि कंप्लीटली हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया। और इसमें क्वाड्रिलेटरल किसी भी तरह का बना लेते हैं, ये रेक्टेंगल बना लेते हैं वो भी क्वाड्रिलेटरल में आएगा। तो ये इस तरह से आप रफ बनाना है और इसका नाम दे देना है PQRS। पी ये हो गया PQRS, PQRS नाम दे दिए। अब जो है इसमें डायगोनल इसको बनाना है, तो डायगोनल्स कैसे हो जाएगा? ये यहाँ से अपोजिट एंगल जो होता है उसको मिलाना है, ये यहाँ से मिला दिए और इसको यहाँ से यहाँ मिला दिए। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ये दोनों एक पॉइंट पे मिले, ये पॉइंट यहाँ है और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ओ, ये ओ दे दिए। इस तरह से ये बन गया। अब क्या करना है कि ये पॉइंट पूछ रहा है कि ये पॉइंट क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर, किसके अंदर है या एक्सटीरियर बाहर है। तो हम देख रहे हैं ये पॉइंट कहाँ है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर है। तो बस इसी चीज़ को नीचे में लिख देना है। यहाँ पे डायगोनल्स का नाम लिखने के लिए दिया गया है, ये डायगोनल्स जो हम लोग यहाँ पे खींचे हैं, PR हो जाएगा, ये सीधा लाइन हो गया और ये अपोजिट एंगल पे जो सीधा लाइन मिलता है उसको डायगोनल्स कहते हैं। ये डायगोनल्स हम लोग पहले लिख लेते हैं, तो डायगोनल्स का नाम हो गया PR एंड QS, ये हो जाएगा QS। ये दो डायगोनल्स इसमें हो गया। अब इसको जो हम लोग लिखेंगे तो ये डायगोनल्स का नाम देते हुए इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि इसका जो मीटिंग पॉइंट है ओ, और वो जो पॉइंट है वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर में है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं कि यहाँ पे ये डायगोनल्स का नाम भी आ जा रहा है, द डायगोनल्स PR एंड QS है, QS मीट एट पॉइंट ओ। तो ये मिल रहा है किस पॉइंट पे? ओ पॉइंट पे। विच इज इंटीरियर, जो कि इंटीरियर है, अंदर में है, ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के अंदर में है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग देखते हैं, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल KLMN। तो यहाँ भी एक रफ स्केच बनाने के लिए बोल रहा है, क्वाड्रिलेटरल का ही रफ स्केच बनाने के लिए कह रहा है। तो चार कोना का कोई भी फिगर बना लेना है, स्टेट अब बतलाना है, क्या बतलाना है? टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। अब जो फिगर बनेगा KLM, जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसमें से दो पेयर अपोजिट साइड लिख के बतलाना है कि ये है, दो अपोजिट साइड हो गया। उसके बाद टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल,
और फिर साइड के बाद एंगल बतलाना है, दो अपोजिट एंगल को बतलाना है, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, उसके बाद फिर एडजेसेंट साइड्स बतलाना है। तो एडजेसेंट्स और ये सब जो है अपोजिट साइड एंगल, ये सब पहले बतलाया जा चुका है, लेकिन ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। आप यहाँ से जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा वहाँ से भी आप समझ सकते हैं, इसीलिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं बतलाया है। तो यहाँ पर मैं पेपर पर आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं और एक रफ स्केच बना लेते हैं। तो रफ स्केच, तो पहले हम लोग जो है रेक्टेंगल बनाए, तो इस बार एक स्क्वायर बना लेते हैं। तो ये भी रफ स्केच बनाना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे तैसे भी बनता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया एक स्क्वायर बना लिए, और इसका नाम दिया हुआ है KLMN, तो K से शुरू है, तो K उसके बाद LMN, इस तरह से नाम दिया गया है। अब A नंबर में क्या कह रहा है, ए नंबर बोल रहा है टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, टू पेयर्स, ए नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, दो पेयर्स मांग रहा है यहाँ पे अपोजिट साइड। तो साइड क्या होता है, ये होता है साइड, ये साइड है, ये साइड है, ये इसमें चार साइड है, तो अपोजिट मांग रहा है, तो इसके सीधे में, इसके सामने में जो होगा वही अपोजिट होता है, जिसे के एन हो गया, तो इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, एल एम हो जाएगा, या के एल लेते हैं, इसके अपोजिट में हो जाएगा एन एम हो जाएगा, इस तरह से अपोजिट साइड होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं के एल, एंड इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एन एम, एन एम, एक पेयर हो गया। दूसरा पेयर हो जाएगा एल एम ले लेते हैं, एल एम एंड एल एम, इसका अपोजिट हो जाएगा के एन, के एन, बस ये कंप्लीट हो गया ए नंबर का। और बी नंबर, अब बी नंबर लेते हैं, तो बी नंबर में क्या कह रहा है, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, इसमें साइड कह रहा था, अभी एंगल्स बोल रहा है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे भी दो पेयर मांगा गया है, तो एंगल्स इसमें कितने हैं, तो एंगल्स है चार, यहाँ पे ये हो गया, ये सभी जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है, जो स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसमें सभी 90 डिग्री का बनता है, रेक्टेंगल में भी वही बनता है, लेकिन और दूसरा में नहीं होता है। तो एंगल, इस एंगल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इस एंगल का अपोजिट ये हो जाएगा, तो दो पेयर तो हमको मिल ही रहा है। तो एंगल अगर हम लेते हैं एल, एंगल एल लेते हैं, एंगल एल, तो इसका पेयर हो गया, इसके अपोजिट में ये चला जाएगा एन, तो एंगल एन हो जाएगा, ये हो गया। और एक पेयर अगर ले लेते हैं के, एंगल के, एंड इसके अपोजिट में हो जाएगा के अपोजिट एम हो रहा है, तो एम लिख लेते हैं, एंगल एम, एक पेयर ये हो गया और दूसरा पेयर ये हो गया, दो पेयर हो गया। क्वेश्चन नंबर सी लेते हैं, सी, और सी में क्या कह रहा है, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, तो एडजेसेंट साइड मांग रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सीधा सीधी समझ लेना यहाँ पे कि बगल वाला, अगल बगल वाला जो साइड होता है वही, उसी को एडजेसेंट कहते हैं। जैसे कि ये साइड है, के एल ले लेते हैं, तो ये साइड हो गया, तो इसका एडजेसेंट साइड क्या हो, अपोजिट साइड ये ठीक सामने वाला होता है, लेकिन एडजेसेंट जब साइड बोलता है तो क्या होता है, उससे सटा हुआ, उससे लग के जो साइड होता है ये, जैसे एल एम हो गया, तो ये इसका एडजेसेंट साइड हो गया, और या फिर इसको ले लेते हैं, इससे, इससे सट के ये साइड है, तो के एन, ये भी इसका एडजेसेंट साइड हो गया। तो एडजेसेंट साइड इस तरह से होता है, तो किसी को भी हम एडजेसेंट साइड करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एक साइड पे ले लेते हैं, के एल ले लेते हैं, तो के एल एक साइड हो गया, अब इसका एडजेसेंट हो जाएगा, तो एडजेसेंट क्या हो जाएगा, एंड इसका एडजेसेंट, इसको ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको ले लेते हैं, एल एम, ये हो गया एक पेयर। दूसरा ले लेते हैं, कोई भी एक साइड ले लेते हैं, सपोज के एन ले लेते हैं, के एन, तो इसका एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, के एन ये है, तो इसका इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं, तो एन एम ले लेते हैं, एन एम, दो पेयर हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब डी नंबर में लेते हैं, डी, और डी नंबर में क्या कह रहा है,
टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट साइड यहाँ पे कह रहा था, अब जो है एडजेसेंट एंगल्स बोल रहा है, दो पेयर इसका भी दिखाना है। पहले यहाँ लिख लेते हैं पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो एंगल्स क्या होता है, एडजेसेंट मतलब बता दिया अगल बगल जो होता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये एंगल है, यहाँ पे चार एंगल दिया हुआ है, तो इसके सामने वाला जो होता है, इसके जस्ट अपोजिट वाला, उसको अपोजिट बोलते हैं सामने वाला, तो ये नहीं लेना है, ये जिसके जस्ट बगल वाला। तो इसके बगल में अगर किसी का भी कोई भी एंगल लेते हैं, जैसे एल ले लिए, इसके अगल बगल में क्या है, एक ये एम है और ये के के है, तो ये दोनों ही एडजेसेंट एंगल में आ जाएगा। तो बस इसी तरह लिख लेना है, एंगल एल ले लेते हैं, एंगल एल, तो इसका एडजेसेंट में क्या आ गया, इसका एडजेसेंट में एम आ रहा है और के आ रहा है, तो यहाँ पे एंगल एम लिख लेते हैं, एम ये हो गया एक पेयर, और एक ले लेते हैं एंगल के, एंगल के ले लेते हैं, तो इसका एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये के है, के, तो इसके बगल में ये है और ये दोनों तो है, तो एन भी ले सकते हैं, तो एन ले लेते हैं, एंगल एन, ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये ए बी सी डी का आंसर, ये सब इस तरह से हम लोग शो कर सकते हैं। अब हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पे है, और इसको विशेष रूप से बनाने के लिए नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हमें जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी दिया हुआ है तो उसको जानना चाहिए। तो यहाँ पे लिख रहा है कि इन्वेस्टिगेट, मतलब खोज करना है, पता करना है, जानना है, यहाँ पे जो चीज़ बताया गया है वो क्या चीज़ है। यूज स्टिप्स एंड फास्टेनर्स टू मेक ए ट्रायंगल एंड ए क्वाड्रिलेटरल। स्टिप्स मतलब कुछ तख्ता लेके, कुछ तख्ता पट्टियाँ लेके, लकड़ी का जो होता है उस पट्टियाँ लेके, और फास्टेनर्स मतलब बांधने वाले धागे लेके, मजबूत धागा सब लेके, और फिर उसको बनाना क्या है, ट्रायंगल बनाना, बांध के ट्रायंगल बना देना है, एंड एक क्वाड्रिलेटरल, और एक क्वाड्रिलेटरल भी बनाना है, मतलब एक तीन कोना वाला बनाना है, एक चार कोना वाला बनाना है। इस तरह से बना लेते हैं, उसके बाद क्या बोल रहा है, ट्राई टू पुश इनवर्ड एट एनी वन वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। अब क्या करना है कि पुश करना, मतलब उसको धकेलना है, दबाना है इनवर्ड, मतलब उसको अंदर के साइड में दबाना है, ट्रायंगल जब बन गया तो उसको अंदर के साइड में इस तरह से दबाना है, उसको वर्टेक्स को, उसके कोना को लेके, और डू द सेम टू द क्वाड्रिलेटरल, और वही चीज़ जो है ट्रायंगल के साथ करना है और क्वाड्रिलेटरल के साथ भी करना है। तो फिर क्या होता है, उसके आगे यहाँ पे दिया हुआ है, इज द ट्रायंगल डिसॉर्टेड, क्या ट्रायंगल जो है वो डिसॉर्टेड मतलब विकृत हो रहा है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। इज द क्वाड्रिलेटरल डिसॉर्टेड, क्या क्वाड्रिलेटरल टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, ऐसा पूछ रहा है। इज द ट्रायंगल रिगिड, क्या ट्रायंगल मजबूत बना हुआ है, कठोर बना हुआ है। व्हाई इज इट दैट स्ट्रक्चर्स लाइक इलेक्ट्रिक टावर्स मेक यूज ऑफ ट्रेंगुलर शेप एंड नॉट क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर, इस तरह का जो बनावट बना हुआ होता है एक ट्रेंगल शेप का या क्वाड्रिलेटरल शेप का, इलेक्ट्रिक टावर में, इलेक्ट्रिक टावर जो बना रहता है उसमें ट्रेंगुलर शेप का उसमें बना हुआ रहता है, ट्रेंगुलर बना रहता है, नॉट क्वाड्रिलेटरल, उसमें क्वाड्रिलेटरल बना हुआ नहीं रहता। ऐसा क्यों बना हुआ रहता है, मतलब उस टावर में इस शेप को जो है ट्रेंगुलर शेप को क्यों यूज़ किया जाता है, क्वाड्रिलेटरल शेप यूज़ क्यों नहीं किया जाता। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, ये ट्रेंगल जो होता है, ट्रेंगल शेप जो होता है वो रिगिड होता है, रिगिड मतलब मजबूत होता है, वो किसी भी तरह से मुड़ेगा नहीं, दबेगा नहीं, डिस्टॉर्टेड नहीं होगा, विकृत नहीं होगा, इसीलिए इस शेप का जो है ट्रेंगुलर शेप का उपयोग किया जाता है। तो इसको हम लोग जो है यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है बस उसी तरह से जवाब देते जाना। तो यहाँ पे मैं इसको यहीं पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे जगह तो है ही। सबसे पहले पूछा गया है इज़ द ट्रेंगल डिसॉर्टेड, क्या ट्रेंगल विकृत होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो यहाँ पे इसका जवाब देना है नो। ये हो गया, इसका जवाब हो गया नो, द ट्रेंगल इज नॉट डिस्टॉर्टेड, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है इज़ द क्वाड्रिलेटरल डिसॉर्टेड, क्या क्वाड्रिलेटरल जो है वो डिसॉर्टेड होगा, वो टेढ़ा होगा, तो इसका जवाब क्या देना है, यस, ये हो जाएगा, यस द क्वाड्रिलेटरल इज डिसॉर्टेड, ये हो गया। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये इलेक्ट्रिक टावर में इस तरह के शेप्स, ट्रेंगुलर शेप्स क्यों यूज़ होता है, तो इसका आंसर देना है, और इसके लास्ट क्वेश्चन का आंसर में लिखना है स्ट्रक्चर्स लाइक इलेक्ट्रिक टावर्स मेक यूज ऑफ ट्रेंगुलर शेप्स। यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है स्ट्रक्चर्स लाइक इलेक्ट्रिक टावर्स मेक यूज ऑफ ट्रेंगुलर शेप्स, यहाँ तक लिखना है, उसके बाद यहाँ बिकॉज दे देना है, क्यों यूज होता है इसके लिए, क्योंकि इट इज़ नॉट डिसॉर्टेड, क्योंकि यह विकृत नहीं होता, डिसॉर्टेड
एंड स्टे रिगिड, और मजबूत बना रहता है, कठोर बना रहता है। यहाँ पे ये हो गया इसका आंसर, यहाँ पे बेसिकली पॉइंट जो है यहाँ पे आया और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से लिखना है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन का ज़्यादा वर्ड वही यूज़ हो रहा है, ताकि आप लोगों को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, भूलना भी मतलब आसानी से भूल नहीं पाएंगे। इस तरह से एक बार ध्यान देके आपको समझ लेना है कि इस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 4.5 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। इसके अगला एक्सरसाइज भी आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मैंने, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर मदद मिल रहा है हमारी वीडियो से तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।